रानी पद्मिनी पर बनी फिल्म पद्मावत, जिसे अब 300 कट से गुजरना पड़ेगा, वो चाहकर भी राजस्थान में रिलीज नहीं हो पाएगी। हालांकि फिल्म की कहानी राजस्थानी बैकड्रॉप पर ही है, लेकिन वो राजस्थानी ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी। उसका कारण है कि सीएम वसुंधरा राजे ने साफ कह दिया है कि ये फिल्म जिस कहानी पर बेस्ड है वो इतिहास से बढ़कर है, हर एक शख्स से जिंदगी से जुड़ा इतिहास है। रानी पद्मिनी राजस्थान के लिए बहुत महत्व रखती है, इसलिए उन पर बनी किसी ऐसी फिल्म को वो रिलीज होने नहीं देंगी जिसमें कुछ भी तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया हो। वसुंधरा राजे ने स्टेट होम मिनिस्टर गुलाब चंद कटारिया को साफ कह दिया है कि वो इस फिल्म की रिलीज ना होने दे, यानी कि राजस्थान में ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। पहले पद्मावत 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसकी रिलीज डेट चेंज हुई और अब वो 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। इसके कॉम्पिटिशन है अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन। फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वो अपनी फिल्म पीछे नहीं खिसकाएंगे, जिससे उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा और पद्मावती को बिजनेस कम मिलने के भी आसार हैं। संजय लीला भंसाली को चारों तरफ से सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। ये तो आने वाली 25 जनवरी बताएगी कि उस दिन जब राजस्थान के अलावा बाकी हिंदुस्तान में फिल्म रिलीज होगी तो क्या इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होंगे या नहीं।